वेलकम बैक टू फ्री वर्ड। तो ये है करवा चौथ लुक। आई होप स्टार्टिंग में आपको दिख ही गया होगा फुल लुक, बट मैंने कैसे कैसे क्रिएट किया है, कौन सी चीज़ कहाँ से बाय करी है, सारा आपको बताने वाली हूँ मैं डिटेलिंग में। और मेकअप वेकअप सब कुछ मैंने क्या अप्लाई किया हुआ है फेस पे भी अपने। सो यार करवा चौथ भी आने वाला है, सारी की सारी गर्ल्स एक्साइटेड होगी, तो जरूर ज़्यादा वेट नहीं कराती है। पता नहीं कहाँ से हनी भी आ गई है, ज़्यादा वेट नहीं कराती, फटाफट से स्टार्ट करती हूँ। तो चलो पहले मेकअप से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिया है फिटमी का मैट फाउंडेशन, मेरा जो शेड है वो है 128, और अगर कोई मेरी स्किन टोन में हो तो वो ये वाला शेड ले सकते हैं। ये एक्चुअली मैट फिनिश देता है, सो मुझे मैट नहीं चाहिए, थोड़ा सा हाइड्रेटिंग फाउंडेशन या लैक मुझे बीबी क्रीम अच्छी लगती है। सो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रोज हिप का गुड वाइब्स का ऑयल मिक्स किया है और सीरम मिक्स किया है। आप भी कर सकते हो, अगर आपके पास सीरम नहीं हो तो आप कोई भी मॉइस्चराइजर मिक्स करके भी फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो अपने फेस पे। तो जहाँ पे भी आपको थोड़ा डार्क लगता है एरिया, जैसे कि अंडर आई वगैरह हो गया, वहाँ पे मैंने ये ज़्यादा अप्लाई किया है, क्योंकि मैं कोई भी कंसीलर यूज़ नहीं करने वाली हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन लगा रही हूँ, क्योंकि यार मेकअप बस लगता है कि बस हो जाए जल्दी से तो यार थोड़ा बहुत आता है। सो ये है हमारा, मैंने यहाँ पे ब्लेंडर से इसको अप्लाई कर रही हूँ, अच्छे से हो जाता है, केकी नहीं लगता है। फिंगर से फाउंडेशन मुझे लगता है कि ब्लेंडर से अप्लाई करो या ब्रश से तो ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है उससे। अभी मैंने यहाँ पे लगाया है फेस कनाडा का आपका क्या बोलते हैं इसको, फेस पाउडर कॉम्पैक्ट। ये मैंने अभी लास्ट टाइम लिया था, इसका रिव्यू मैंने शेयर किया, अगर आपको देखना हो तो आप जाके देख सकते हो, चैनल पे है मेरे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये भी बहुत हाइड्रेटिंग सा है, क्योंकि इसमें शिया बटर और विटामिन ई है, तो बहुत ही सही लगता है, मुझे ड्राई नहीं करता बिल्कुल भी। अभी ये है मेरी आई शेडो पैलेट, किसकी है यार मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। सो अभी मैं इसमें से, क्योंकि हमारा आज आउटफिट रेड है, तो मैंने रेड कलर का ऑलमोस्ट रेड, थोड़ा डार्क रेड में है, ये मैंने आई शेडो लगाया है। और साथ में मैं कॉर्नर्स में यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ लाइट शेड में शिमरी आई शेडो साइड में कॉर्नर, क्योंकि रात का टाइम होगा ना तो हाईलाइट होंगी तो अच्छा लगेगा, तो आप रात में अप्लाई कर सकते हो। कुछ ऐसा लगाना है ना शिमरी शिमरी, तो अच्छा लगेगा। आईज देखो कितनी प्यारी लग रही है ना, यही तो इस टाइप का कुछ लगा लेना, अच्छा लगेगा। अगर आउटफिट आपका गोल्डन और सिल्वर में है तो उससे कुछ मैचिंग करता हुआ तो बहुत ही प्यारा सा होगा, और आइज़ भी हाईलाइट हो जाएंगी। देखो जितना आता है उतना ज्ञान मैं शेयर कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं तो मेरे ऐसे बहुत होंगे जो भी देख रहे होंगे चैनल समझ जाएंगे। सो अभी हम लोग नीचे भी इसके अप्लाई करने वाले हैं अपने आईलिड पे, थोड़ा सा अच्छा लगता है, मर्ज हो जाता है नीचे और ऊपर का दोनों का शेड, तो इसको नीचे भी हल्का हल्का अप्लाई कर सकते हो। सो अभी हम करेंगे आईब्राउज डिफाइन, जो कि मेरा फेवरेट पैलेट है ये वेट एंड वाइल्ड का, हमेशा मैं इसी को ही शेयर करती हूँ। सो मैंने ये कर लिया है, मेरी हो गई है सेट आईब्राउज, और अभी हम लगाने वाले हैं आईलाइनर। यार ऑन कैमरा मेरे से अप्लाई नहीं हो पाता, तो मैंने ऑफ कैमरा लगा लिया है, क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा या शिवर करते हैं जब भी मैं अप्लाई करती हूँ आईलाइनर। आई थिंक आप लोगों के साथ भी किसी ना किसी के साथ तो प्रॉब्लम होती होगी, मेरे साथ तो होती है, तो इसलिए मैंने ऑफ कैमरा लगाया है। और अभी यार मेरा बेस्ट पार्ट ब्लश, जब से मैंने मंगाया है ये बहुत ही सही ब्लश है, मैं मुझे लग रहा है मैं सारे शेड्स मंगा लूँ इसके, अब तो पक्का मंगाने वाली हूँ, क्योंकि एक अलग ही वॉल्यूम ऐड कर देता है मेकअप में। अभी तक कितना पेल सा लग रहा था, इसको लगाते ना जान आ गई है, सीरियसली मैं बहुत ही ब्राइट सा लग रहा है अभी मुझे। अभी थोड़ा सा आपको रेड लग रहा होगा, पिंकी पिंकी, बट ये सेटल हो जाएगा थोड़ी देर में, आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, क्योंकि कोई भी मेकअप सेटल होने में 5 से 10 मिनट लग ही जाते हैं। तो बहुत ही मुझे तो यार मतलब ब्लश बहुत पसंद आया। और जो मैंने लिपस्टिक अप्लाई करी है ये मैंने रेने की करी हुई है, पहले मैं इसका रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ। डार्क वाले 5 शेड्स थे, मैट फिनिश है, बहुत प्यारा। एंड द लास्ट नायका मेकअप सेटिंग स्प्रे मैंने अप्लाई किया है। तो चलो बात करते हैं ज्वेलरी की। ये है जावेरी पर्ल्स की, जो मैंने ली है आजियो से, और इसके साथ में इयररिंग्स और एक रिंग थी, पूरा सेट था ये। ये वाला जो बिग वाला रिंग है ये भी जावेरी पर्ल्स का ही है, ये मैंने उसी से लिया है आजियो से। और ये रिंग और इयररिंग्स ये इन तीनों का सेट था। और जो ये दूसरा वाला रिंग है जो मैंने सेकंड हैंड में पहना हुआ है, ये मैंने मीशो से लिया है, ये भी बहुत प्यारा सा रिंग है, सो मुझे अच्छा लगा। एंड बिंदी मैंने यहाँ पे लगाई है ग्रीन कलर की, रेड नहीं लगाई मैंने, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्रीन चाहिए था। साथ में मैंने गोल्डन बिंदी उसके अंदर लगा ली है, गोल्डन अकेले विजिबल नहीं हो पाती। और मैंने यहाँ पे सिर्फ हेयर को बस ट्विस्ट करके एक साइड से मैंने पीछे क्लिप कर दिया है, और लूज़ हेयर, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपने हैवी ज्वेलरी और हैवी साड़ी पहनी है तो जितना आप सिंपल से हेयर रखोगे वो ज़्यादा अच्छा लुक देता है। और साथ में मैंने यहाँ पे बैंगल्स, ऑब्वियसली करवा चौथ है, किसी भी रिचुअल्स पे किसी भी ओकेजन पे हम लोगों के इंडियंस में होता ही है कि हमें कांच की बैंगल्स मस्ट होती हैं, तो मैंने कांच की बैंगल्स दोनों हाथों पर डाल के मैंने रजवाड़ी कड़ा भी बीच में डाला है, बहुत ही अच्छा सा लुक आ गया है इससे। ये मैंने मीशो से लिए हैं दोनों कड़े, इनका भी मैं लिंक डाल दूंगी। ये भी पेच वाला है, बहुत ही प्यारा है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है इन कड़ों की। तो आप अपने हिसाब से भी इन कड़ों को कर सकते हो अभी भी, और बाद में आप कभी सिंगल सिंगल भी इनको पहन सकते हो। बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था ये, बहुत ही अच्छा सा गोल्डन में है। और जो ब्लाउज है ये एक्चुअली साड़ी के साथ का नहीं है, साड़ी के साथ प्लेन ब्लाउज था विद बॉर्डर, जो साड़ी में पल्लू पे बॉर्डर है। ये सीक्वेंस वर्क का जो ब्लाउज है ये मैंने लिया है मीशो से, वी नेक में है ये, और इसका बैक में डोरी है, वी नेक ही है बैक में भी। सो मुझे ये ब्लाउज़ भी अच्छा लगा। इसमें काफ़ी सारे साइज़ थे बट ये लूज़ है, इसको ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत है। और साड़ी के पल्लू पे ना पर्ल लगे हुए हैं, इसको बैक साइड से अच्छे से फिक्स किए हुए हैं, सो ये निकलेंगे भी नहीं। अगर वॉश भी करते हो ना तो कहीं नहीं जाने वाले हैं। एंड नेल पेंट चेंज कर लेना, मैं भूल गई थी चेंज करना। सो थोड़ा सा कुछ अच्छा सा लाइट सा न्यूड सा नेल पेंट लगाना। और यहाँ पे मैंने मुजरी कैरी करी क्योंकि हील्स में हमें बार बार भागी दौड़ी करनी है, मतलब होता है ना पूजा में काम वाम भी करना है, इधर उधर नहीं हो पाता, तो फ्लैट आई थिंक ठीक रहेगा। और ये पोटली बैग, बेस्ट थिंग पोटली बैग की ये होती है कि आप आराम से कैरी कर सकते हो, कहीं नहीं जाने वाला है, और हैंड्स आपके फ्री रहते हैं। और ये मैच भी कर रहा है मेरी साड़ी से ना, पल्लू के पर्ल लगे हुए हैं तो इसमें भी है, सो परफेक्टली जा रहा है। सो आई थिंक पोटली बैग सही है, क्लच से बेटर रहेगा। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. ये लुक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसे ही और भी लुक्स चाहिए तो अभी टाइम है, करवा चौथ में ऑलमोस्ट 1 मंथ है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं और भी अच्छे से लुक क्रिएट करूँगी कुछ कलर को लेकर, अगर आपको कुछ हो पर्टिकुलर कि नहीं ये वाला कलर के साथ कुछ हो, सो डू कमेंट। हम फिर लुक क्रिएट करेंगे, भी बहुत टाइम है, ऑलमोस्ट 1 मंथ। सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे हेल्दी वेल्दी एंड ब्लेस्ड, लव यू ऑल, बाय बाय।